आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पीसी की, डेस्कटॉप की या लैपटॉप की स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे सिस्टम में कुछ टेम्प फाइल बन जाती हैं, टेम्प्रेरी फाइल्स, जिसकी वजह से हमारी जो सी ड्राइव होती है, जहाँ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है, वो धीरे धीरे फुल होने लगती है। तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे रनिंग के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम कॉन्टिन्यूस स्लो होता चला जाता है। उसके लिए उन टेम्प फाइल का डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि टेम्प फाइल कैसे डिलीट होती हैं। सबसे पहले आप विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और टाइप करेंगे रन प्रॉम्प्ट पे परसेंटाइल TEMP टेम्प एंड परसेंटाइल, एंटर करेंगे। आप देख रहे हैं ये बहुत सारी फाइल्स खुल के आई हैं। ये सारी की सारी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, इनका हमारे पीसी में कोई यूज़ नहीं होता और इनमें हमारा कोई डेटा भी जाने का चांसेस नहीं होता है। ये टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं, कुकीज़ फाइल्स होती हैं, हमारे सिस्टम में धीरे धीरे बनती रहती हैं और सिस्टम की स्पीड को डाउन करती रहती हैं। इनको डिलीट करने के लिए कंट्रोल एल करके आप सारी सिलेक्ट कर लीजिए एंड शिफ्ट प्लस डिलीट एंटर। आप एंटर करेंगे, आपसे परमिशन मांगेगा, कंटिन्यू कर देंगे। आप देख रहे हैं ये फाइल्स डिलीट होना स्टार्ट हो गई हैं और ये टोटली डिलीट हो गई। कुछ फाइल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट नहीं करने देता है। तो वो आपकी एक फ़ाइल, देखिए इसने डिलीट नहीं करने दी, ये फ़ाइल डिलीट नहीं होगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है और आप देख पाएंगे कि आपका सिस्टम की स्पीड इंक्रीज़ हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच।